आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में नौवीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर एक संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने जा रहे हैं। ये कह रहा है कि 0.99999 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? देखिए, पहले निकाल तो लें, तभी आश्चर्यचकित होंगे, होगा कि नहीं होगा। हमारे पास सॉल्यूशन निकालते हैं हम, माना हमने इसको x मान लिया, माना x बराबर है 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, इक्वेशन नंबर मैंने एक मान ली, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करें, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर एक को मैंने किससे गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, तो दोनों तरफ गुणा होगा। गुणा करेंगे x को, ये 10x हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट पीछे की तरफ खिसक जाएगा, तो 9.9999 एंड सो ऑन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या बना दिया, 2 बना दिया। अब ध्यान दें, इसमें से ये माइनस करना, हमने 2 में से 1 माइनस करूँगा मैं, तो मैंने पहले 2 लिख ली 9.999 और फिर फर्स्ट लिख ली 0. डेसिमल के नीचे, बार बार कहता हूँ डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। माइनस कर रहे थे तो दोनों को माइनस कर दीजिए, 10x में से x जाएगा, कितने बचेगा, 9x आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद तो ख़त्म हो गया, 9 में से 0 जाएगी, 9 हो गया, x की वैल्यू 9/9 क्या हो गया, 1 हो गया, x इज इक्वल टू 1। आश्चर्यचकित हो गए, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो 0.999 किसके बराबर आ गया, एग्जैक्ट 1 के बराबर आ गया, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। देखिए, जब हम नंबर लाइन के ऊपर इनको रिप्रेजेंट करते हैं, 0.9999999 बहुत आखिर तक चलता जाएगा, ये इट इज़ अप्रोक्सीमेट टू मार्क 1, बिल्कुल एग्जैक्ट वही पॉइंट हो जाता है 0.999। जब आप आखिर में जाते हैं, अगर हम नंबर लाइन की हम बात करें, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 0.5 होगा, ये 0.6789, अब 0.999 आगे जाने के बाद ये बिल्कुल कहाँ को अप्रोच कर जाता है, 1 को अप्रोच कर जाता है। इसीलिए ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, चलिए, इस वीडियो में छोटा सा क्वेश्चन था, इतना ही इस वीडियो में, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले पर्सन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।